छतरपुर जिले के भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया का रहने वाला रामनारायण रैकवार सुबह गुरुवार को करीब 7:30 बजे गांव के पास मौजूद नदी के पास शौच के लिए गया था। यहां से वापस लौटते समय घर के पास उसके पैर के अंगूठे में सांप ने डस लिया। रामनारायण की चीख सुनकर उसके पिता परमलाल मौके पर पहुंचे और आनन फानन में बाइक के माध्यम से बड़ा मलहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चूंकि रामनारायण की हालत गंभीर थी, इसलिए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है। क्या नाम है आपका? रामनारायण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सलैया। कैसे सांप ने काट लिया, क्या कर रहे थे? दांतों टूटने गए थे तो इसलिए काट लिया है। फिर कैसे आपने बताया? मैं नदी से अपने पापा के पास में पहुंचा, पापा को बताया कि सांप ने काट लिया, तो फिर वो मलायल हुआ के आए मुझे। हाँ, वहाँ दबा भाई, फिर यहाँ आ गए। जिला अस्पताल कैसे है? गाड़ी से आए थे, मोटरसाइकिल से। कहाँ पर काटा है? ऊँठा में पे। अब कैसी हालत है? अब बढ़िया है मेरी हालत।